सोनम तैयार है? हाँ सरकार, बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। पापा, आई एम रेडी। अरे ईश्वर, हमारी बेटी को इतना बड़ा ओहदा दे कि एक दिन हमें भी उसे सलूट करना पड़ा। मुझे ओहदे की नहीं, आपके आशीर्वाद की जरूरत है पापा, ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग सही सलामत पूरी करके आ सकूं। अच्छा हुसैन चाचा, तो मैं चलती हूँ। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटी। इस रहीम चाचा ने बचपन से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरी दुआओं का असर तुझे जिंदगी में हर जगह नजर आएगा। बड़ी मुरादों से, हाजी अली बाबा के मजार से ये कलमा लिखा हुआ कड़ा लेकर के आया हूँ बेटी। इससे पहले जी, एक गरीब नौकर तुझे सिवाय दुआओं और आशीर्वाद के और क्या दे सकता है बेटी? आपकी दुआएं ही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा, खुदा हाफिज़। ओके, टेक केयर एंड बी गुड। यस, बाय। ए सोनम, सोनम रुको। हाय, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। व्हाई? कितना इंतजार करवाया तुमने मुझे, तुम्हें वक्त का एहसास है कि नहीं है? वक्त का एहसास तो है, पर मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त का एहसास है पर मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए से छलिए बन के घूम रहे हो। वो तो हुआ यू, मैंने सोचा कि तुम ट्रेनिंग पे जा रही हो तो मेरा दिल खाली खाली हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे कहीं और लगा लिया। क्या हो, तुमने दिल लगा लिया? अरे ड्यूटी से भाई, ड्यूटी से। ये देखो, राजा का ड्रेस पहनकर देखने जा रहा हूँ, कहीं प्रजा दुखी तो नहीं है? आइडिया बुरा नहीं है, है ना? अरे कांस्टेबल साहब, जरा तीतो पकड़ा, तीतो। एक कॉपी दे दो। मटर जी, चलो हम जाएगा। गुड नाइट। तुमको घर नहीं जाने का? हम केदार में घर जाएगा। क्यों? हम तो जीवन में एक तो है, अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काहे को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। तुमने माफी की लड़की हमको मिलता? हाँ है ना, वो अभी ढूंढ के लाता है। किधर? हम एक मिनट में ढूंढ के लाता है। आता है ना? क्या जरूरत नहीं है, आता है ना? हम ढूंढ लिया है, हमें ढूंढ लिया है, हमें ढूंढाई लियो, ढूंढाई लियो, हमार सोना और बंगाल हमें ढूंढाई लियो। मैडम, जब से हम तुमको देखा है, हमारा दिल का अंदर खड्डा हो गया है। खड्डा? हाँ, उसमें सीमेंट भर के उसको प्लास्टर करके अच्छा कर दो। फालतू करो जी। हेलो पुलिस स्टेशन, हम एक फालतू होटल से मछला नहीं बोल रहा है, डेढ़ फुट, तीन फुट, छह फुट। जरा जल्दी बात करना भाई, एक अर्जेंट। अरे चुप बैठो, नहीं चुप करो साला। मुझे जल्दी बात करनी जरा प्लीज। एक अरे भाई, पुलिस स्टेशन पे सबका माल लूट गया, मैं बात कर रहा हूँ ना साला गुंडा। हम तुमको लूटे बैठा, हम बजाय साला बात करता है, फोन पर तो उछाई होता है। अरे भाई साहब, एक जमाना हुआ करता था कि पुलिस क्लाइमेक्स में पहुंच जाती थी, आजकल तो दिए एंड पर भी नहीं पहुंचती। अगर इन लोगों का माल लूट गया और आप चाहते हैं इनका माल वापस मिल जाए, तो आप इन लोगों को पुलिस चौकी लेकर जाइए और मुझे फोन करने दीजिए प्लीज। अरे बड़ी, पुलिस स्टेशन पे कैसे लेके जाएगा? हमारा कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारा जान पहचान है तो नहीं जाओ। जान पहचान तो है मगर। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग थोड़ा। हेलो, रिपोर्ट लिखाओ, जाओ बात करता है। आदमियों का औरत बनता है, पुलिस के साथ में धोखा खाता है, सबको अंदर करो, क्या सोबिस करता है? हाँ थानेदार साहब, ये लोग क्या सोबिस नहीं, कलाकार हैं। और ये रहा इनका इंचार्ज मछरानी। मुन्ना ठाकुर कहाँ है? लॉकअप में सर। लॉकअप में? लेकिन सर। शट अप, तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो लेकिन तुमसे होता कुछ नहीं। ये मत भूलो इंस्पेक्टर, तुम जिस कुर्सी पर हो हमारी जूतियों के सदके से हो, वैसे मुझे लगता है तुम इस काबिल रहे नहीं। ये आपने क्या किया? जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है, वो वही करता है जो उसे करना होता है। एक मामूली सा इंस्पेक्टर हमारे मुन्ना ठाकुर को 6 दिन तक कैद कर सकता है, जबकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो 6 मिनट तक हमारे अदना से अदना इंसान को कैद कर सके। लेकिन जगन्नाथ, छुट्टियों के दिन रिमांड कैंसिल नहीं होता। कैंसिल नहीं हो सकता तो खरीदा तो जा सकता है ना?
ऐसे ही गैर कानूनी कामों को कानूनी तौर पर पूरा करने की आपको फीस दी जाती है मिस्टर कुमार, आप किस मर्ज की दवा है? कानून के कुछ उसूल होते हैं जगन्नाथ। ये जानते हुए कि जगन्नाथ के उसूलों के आगे कानून के शब्द ताले धब्बों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते? ये रिमांड किस जज ने दिया था? जस्टिस सैयद मुश्ताक अहमद ने। सैयद मुश्ताक अहमद उस कमबख्त को भी शराफत और ईमानदारी का शौक है। कौन है इसके घर में? ईद मुबारक हो आंटी। ईद मुबारक हो अंकल। नाजो का है, मैं आज खास तौर पे उसे ईद की मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। आप कुछ बोलते कि नहीं अंकल? बेटा, उन बदमाशों ने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया है और उनकी शर्त यह है कि जब तुम मुन्ना ठाकुर को छोड़ दोगे तभी वो नाजो को रिहा करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे किसी खतरनाक मुजरिम को कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही ने तो उसका रिमांड दिया था। ऐसा मत कहो बेटा, वो जालिम मेरी नाजो को मार डालेंगे। इन्हें तो अपनी नेक नामी और औहदे की पड़ी है, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरा सरमाया, मेरी बच्ची है, मेरी नाजो है। अल्लाह के वास्ते मुन्ना ठाकुर को छोड़ दो और मेरी नाजो को ले आओ। सबसे काम लो बेगम, सबसे। हेलो। अरे अरे अरे, आपकी आवाज तो कांप रही है जज साहब। मुन्ना ठाकुर चाहिए वापस जिंदा, वरना तुम्हारी प्यारी सी बच्ची को मैं क्या। सुनो, मुन्ना ठाकुर तुम्हें जिंदा मिल जाएगा। वेरी गुड, बहुत जल्दी फैसला किया तुमने। शायद इसलिए तुम एक कामयाब जज हो। भाईजान, भाईजान आपने मुझे बचा लिया। भाईजान वो लोग बहुत बुरे, बहुत बुरे भाईजान, बहुत बुरे। उन्होंने उन्होंने मेरे साथ क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या क्या उन्होंने तुम्हारे साथ? नाज़नीन, नाज़नीन, नाज़नीन! जज साहब, आप तो इंसाफ का चश्मा लगाए दुनिया के फैसले करते रहे, अब आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? कहिए, बोलिए जज साहब, बोलिए, आपकी बच्ची के साथ इंसाफ कौन करेगा? संजय, संजय, हमारी नाजो की इज्जत लूट ली उन जालिमों ने, उन गुंडों ने। मेरी बेटी की पाकीज़ा दामन को तार तार कर दिया शैतानों ने। हेलो संजय सिंह यार। हेलो इंस्पेक्टर, फरमाइए। सैयद जगन्नाथ, मुझे वो बदकार दरिंदा चाहिए जिसने जज सैयद मुश्ताक अहमद की बेटी की इज्जत लूटी है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल पेपर्स दे दूंगा। That's like a good boy. तो ठीक है, शाम को मिलते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ मैं और तुम। ठीक है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर,
इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर संजय सिंह। जगन्नाथ, रिवॉल्वर मेरे पास भी है, मेरे पेपर्स लाया। मेरा मुजरिम, तुम्हारे मुजरिम की लाश मेरी गाड़ी पड़ी है। लाश? मैंने तुम्हें उसे जिंदा लाने के लिए कहा था ताकि तुम मालूम कर सको कि जगन्नाथ क्या है। देखो, जगन्नाथ ना पाप करता है ना पुण्य करता है, उसे वही करता है जो उसे करना होता है। जगन्नाथ, मैं तेरे इस घिनौने चेहरे को दुनिया वालों के सामने नंगा कर दूंगा ताकि वो जान सके कि तेरी असलियत क्या है। तेरे जुआ खाने, जिसम परोशी के अड्डे और शराब खानों की वजह से न जाने कितने जवानों की जवानी खराब हो गई है, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई और मासूम बच्चे यतीम। मैंने तो सिर्फ समाज की जरूरतों को पूरा करने का हक अदा किया है। क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू इंस्पेक्टर जोशी का खून कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे हक दिया है कि तू जज सैयद अहमद की बेटी को अगवा कर सके? कोई सबूत? क्या समाज ने तुझे और तेरे आदमियों को हक दिया है कि वो 15 साल के मासूम बच्चे को बलात्कार कर सके? सबूत? कानून सिर्फ सबूत चाहता है। पेश करूंगा जगन्नाथ। धंधा नहीं रोके इंस्पेक्टर। जगन्नाथ, मुझे जोशी मत समझना।